आज का हमारा टॉपिक है हर्ट, बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हर्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करूं कि हर्ट तो व्हाट इज हर्ट, वाइटल ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम हर्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हर्ट, अब हर्ट की डेफिनेशन हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हर्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अगेन इसका मतलब क्या है कि आपके पास मस्कुलर एंड होलो ऑर्गन है। होलो का क्या मतलब है कि वो ऑर्गन्स जो कि होलो होते हैं, यानी बीच में उनसे जो है स्पेसेस होते हैं, कैविटीज होती है, उसको हम कहते हैं होलो। और हर्ट इज अ मस्कुलर, यानी मसल से बना हुआ है। हर्ट आपका किस मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से, ठीक है। तो आपके पास हर्ट इज अ मस्कुलर होलो ऑर्गन। अब ये हर्ट करता क्या है? दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई या पंपिंग अ ब्लड, कहां पर? पूरी बॉडी में। आपका हर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, आपका ब्लड जो सप्लाई करता है आपकी पूरी बॉडी में विद रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। अब रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन का क्या मतलब है कि आपका हर्ट जो है एक जो है रिदमिक कॉन्ट्रेक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। जब भी कॉन्ट्रेक्ट करेगा आपका ब्लड पूरी बॉडी में भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, रिलैक्स करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जो है ब्लड फिलिंग होगी। तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एक जो है पर्टिकुलर टाइम में कॉन्ट्रेक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो इसको हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। दूसरी इसकी पॉइंट लिखते हैं हम, इट इज अ वाइटल ऑर्गन। अब वाइटल ऑर्गन का क्या मतलब है कि वो ऑर्गन्स जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे कौन कौन से ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन है जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते? ब्रेन, लंग्स, लिवर, स्टमक, हार्ट, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये ऑर्गन है जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं? वाइटल ऑर्गन, ठीक है। अगेन अगर हम हार्ट की जो है शेप की बात करें तो इट इज अ फिस्ट शेप। फिस्ट शेप का क्या मतलब है कि अगेन आप जो है अगर हार्ट की जो है वो देखेंगे तो एक बंद मुट्ठी की तरह आपके हार्ट का साइज होता है। जितनी आपकी मुट्ठी होगी या आपके हार्ट जो है इस साइज का होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई सवाल? गुड। उसके बाद अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट कितनी होती है आपके पास? 72 बीट पर मिनट। आपका हार्ट एक मिनट में 72 मरतबा जो है वो बीट करता है। अब ये एवरेज है, किसी का जो है 71 भी हो सकता है, किसी का 85 भी हो सकता है, बट अगर अगेन हम एवरेज की बात करें तो कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? अब हमने हार्ट के बारे में बेसिक कंपोनेंट पढ़ लिए कि हार्ट क्या होता है, किस शेप का होता है, किस चीज से बना होता है, करता क्या है और उसमें जो है कौन कौन से जो है कंपोनेंट होते हैं। यहां तक क्लियर? अब हर्ट के हमारे पास जो साउंड होते हैं वो कहते हैं लब, डब। इट लोकेट इन मिडिल मीडिया स्टैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हर्ट आपका काम किस तरह से करता है, कहां से ब्लड आता है, कहां पर जाता है, कौन सा ब्लड। तो एक प्रॉपर हार्ट का मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हार्ट आपका किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि हार्ट में आपके पास कितने चैंबर्स होते हैं? 4 चैंबर्स। अब इन चैंबर्स में जो ऊपर वाले चैंबर्स हैं हम उसको क्या कहते हैं? आरटीएम। नीचे वाले चैंबर्स को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अब ऊपर वाले राइट चैंबर को क्या कहेंगे? राइट आरटीएम। और लेफ्ट वाले को क्या कहेंगे? लेफ्ट आरटीएम। नीचे वाले वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सीलेंट। ये चार आपके पास हार्ट के चैंबर्स हो गए, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले जो ब्लड फिल होता है वो आता है आपके पास राइट आर्टरी में। क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी से
आपका जो ब्लड है आएगा आपकी राइट आर्टरी में। अब ये ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, मिनरल्स नहीं होते, और जिसमें ना ऑक्सीजन हो ना मिनरल्स हो और अनफिल्टर्ड ब्लड हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो ब्लड जिसमें मिनरल्स भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो और फिल्टर भी ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपके राइट आर्टरी में। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखना बहुत ही जरूरी है कि अगेन आपकी हार्ट के जो भी ऊपर से ब्लड आएगा उसको कहाँ पे आएगा? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। सपोज करते हैं अगर मेरी ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो भी फेस है, ब्रेन है या जो भी जहां से भी ब्लड आता है वो कहां पर आएगा? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरी में आएगा। सपोज करते हैं ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है, तो ये सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। अब हार्ट के जितने भी नीचे से स्ट्रक्चर है अगर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो कहां से आएगा? इंफीरियर वेना केवा। अगर हार्ट से ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स का जितना भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आपके पास आएगा किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना केवा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब जैसे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आपके राइट आर्टरी में आना, तो आपका राइट आर्टरी भरना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही आपके पास राइट आर्टरी भरना शुरू हो गया तो आपके राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। अब जैसे ही आपके पास राइट आर्टरी भरेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा और आपका ब्लड जो राइट आर्टरी में है वो राइट वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपके पास टंकी में पानी होता है, आप नीचे से टूटी खोलते हैं तो पानी नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसी तरीके से ये वॉल काम करता है। जैसे आपका राइट वेंट्रिकल आर्टरी फुल होगा तो क्या करेंगे? ये वॉल खुलेगा। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। जैसे खुलेगा तो ये ब्लड जो यहाँ पर था ये आपका कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल में अगेन ये फिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर एक आर्टरी आती है वेन, आपके पास ये ब्लड कहां पे आएगा? लंग्स। अब लंग्स में किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी की जगह ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से जब ये फुल हो जाएगा तो ये भेजेगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में। ठीक है, कहां पे भेजेगा? राइट लंग्स में। अब जैसे ही आपके पास अब ये यहाँ पर ये बात रखना याद रखना बहुत ही जरूरी है कि ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने बात की थी कि ना ऑक्सीजन होता है ना मिनरल्स होते हैं और अनफिल्टर्ड ब्लड होता है। अब ये राइट वेंट्रिकल से आपके पास लंग्स में आया तो लंग्स क्या करेंगे? इन ब्लड को फिल्टर आउट करेंगे। अब जैसे ही ये फिल्टर आउट करेगा तो यहाँ से एक और आर्टरी निकलेगी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। अब जैसे ही लंग्स आपके इस ब्लड को फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर आउट करने के बाद ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। अब अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, इसमें जो है ऑक्सीजन भी होता है आपके पास, मिनरल्स भी होते हैं और फिल्टर भी होता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास लंग्स फिल्टर आउट करेंगे आपके ब्लड को तो आपका ब्लड कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन के आपके पास कहां पर आएगा? लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी में। ठीक है, अब ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरी में जैसे आपका भरेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, अगेन यहाँ पर एक वॉल लगा होता है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल, जिसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड। ठीक है, तो जैसे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भरना शुरू हो जाएगा तो आपका ये वॉल खुलेगा जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो ब्लड आपका कहाँ आना शुरू होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब यहाँ पर ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास कौन सा ब्लड है? और राइट वेंट्रिकल में एक्सीडेंट। अब इस ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन ब्लड को सेपरेट जो वॉल करती है सेप्टिक वॉल, सेप्टिक वॉल, एक्सीलेंट। सेप्टिक वॉल ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब यहां से एक जो है एओर्टा निकलेगा, एक बड़ी वेन निकलेगी एओर्टा ठीक है। तो यहां पर एक वॉल लगा होता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल ठीक है। तो एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। अब ये जो ब्लड बॉडी में गया ये कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है। तो बॉडी आपकी हैप्पी हो गई ठीक है। तो इसी तरीके से इस मैकेनिज्म से आपका हार्ट काम करता है। अब ये जो है एक ही दफा में दोनों ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। सपोज करते हैं यहाँ पर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ठीक है, और वहां से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये दोनों भरना शुरू हो गए ठीक है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वाल्व खुलेगा, कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व, ये भरना शुरू हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ये भी भरना शुरू हो जाएगा। जब ये चारों चैंबर्स भर जाएंगे तो आपका हार्ट एक ही बार कॉन्टेक्ट करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ मिलेगा? तो ऐसे नहीं बोल रहे पहले एक बार कॉन्टेक्ट करेगा तो लंग्स में मिलेगा, दूसरी बार कॉन्टेक्ट करेगा तो उसमें बॉडी में मिलेगा, ऐसे नहीं, एक साथ ही कॉन्टेक्ट करता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में चला जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरी बॉडी में चला जाए। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में आपके पास दो टाइप की सर्कुलेशन है। एक आती है आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हम जो है इस मैकेनिज्म से ही समझेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी वो सर्कुलेशन जिसमें आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा, वो सर्कुलेशन जिसमें जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी हार्ट जो है लंग्स की तरफ भेजेगी उसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास सबसे पहले ब्लड बॉडी से कहां आता है? बॉडी से राइट आरटीएम। अब राइट आरटीएम के बाद ये ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? आपके लंग्स में, आपके लंग्स में, ताकि ये ब्लड आपका फिल्टर आउट हो जाए। अब एक बात यहां पर याद रखना बहुत ही जरूरी है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड आपकी लंग्स में जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा। आपकी हार्ट यानी आपकी बॉडी से जो भी ब्लड आएगा वो आपके बॉडी पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहां भेजेगी? लंग्स में। क्यों भेजेगी? फिल्टर करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन फिल्टर आउट हो जाए ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ आ गई, सबसे पहले बॉडी से आपके पास राइट आरटीएम में आएगा, राइट आरटीएम में राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में चला गया। तो इस सारी सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की, याद रखना बहुत ही जरूरी है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में जाएगी एक्सेप्ट लंग्स, यानी ये लंग्स में कभी भी नहीं जाएगी, बाकी बॉडी के हर पार्ट में चली जाएगी ठीक है। क्यों जाएगी? क्योंकि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी को चाहिए होता है एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में तो वो फिल्टर आउट होने जाता है। तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन आपके लंग्स में जाती है और आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाती है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी आपको पता है? ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ऑलरेडी है तो वो दोबारा से लंग्स में क्यों जाएगी? फिल्टर आउट होने नहीं जाएगी ठीक है। तो अगेन हम बात करते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड कहां से कहां तक आता है ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास लंग्स ठीक है, लंग्स से आपके पास पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, यानी देखो ये सबसे पहले लंग्स, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन
पल्मोनरी वेन जो है कहाँ पर भेजेगी ब्लड को? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम फुल होगा तो ये ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ पे आएगा? एओर्टा। फिर आएगा और एओर्टा के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। तो ये आपके पास जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन थी जो कि आपके पास हार्ट के मैकेनिज्म में ये चल रहा है, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में जाएगा और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन आपके लंग्स में आएगा। यहाँ तक कोई सवाल? सो आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए।